नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वाह वुमन। आज के इस एपिसोड पे हम एक आपको एक ऐसी महिला से मिलाने वाले हैं जिन्होंने अपनी उम्र तो नहीं देखी लेकिन बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलता है उनसे। तो चलिए और देरी ना करते हुए मिलते हैं हम आज की वाह वुमन से, जिनका नाम है प्रीति तहीम जी। वेलकम प्रीति जी टू आवर शो। थैंक यू कपिल जी, थैंक यू सो मच आपने वक्त निकाला हमारे शो में आने के लिए, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रीति जी, मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि जो कि मैं हर अपने पार्टिसिपेंट से ये सवाल करता हूँ कि आपका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि आपके स्पेशलाइजेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले आपके बारे में ज़्यादा जान लेते हैं। तो आपका भी बैकग्राउंड कहाँ रहा है, कहाँ से बिलोंग करती हैं? एंड सर, आई वॉज बॉर्न इन लुधियाना एंड माई पेरेंट्स वर इन दिल्ली, तो मेरी परवरिश यहाँ दिल्ली में हुई है। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। सो हाउ अबाउट योर एजुकेशन, लाइक मैरिज एंड एजुकेशन, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? अर्लियर, इन द अर्लियर डेज आई वॉज लिविंग इन इंदरपुरी एंड देन वी शिफ्टेड टू नोएडा, सो आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम APJS स्कूल नोएडा। ओके ओके, फैंटास्टिक। उसके बाद मैंने अपना BCom किया है कमला नेहरू कॉलेज से एंड देन आई डिड माई MCom फ्रॉम HP यूनिवर्सिटी। ओके। एंड At the age of 23, I got married. Oh my God, that was pretty early. Yes. And then I was blessed with a girl child after 1.5 years. Okay. So, आपने आपका जो exact career है, in fact, marriage के बाद आपने शुरू करा, फिर क्या किया marriage के बाद आपने? Well, I was giving my third semester of MCom when मेरा रिश्ता पक्का हो गया था. So, I had just one thing in mind कि मुझे अपनी studies complete करनी है. Okay. So I requested my father and उन्होंने आगे मेरे father in law से बोला कि my daughter wants to complete her post graduation and he was very kind and with my husband's support I completed my post graduation after marriage. My marriage. अरे बाबा, so after that marriage के बाद आपने post graduation के बाद क्या किया? Post graduation के बाद I was a family oriented girl. Before marriage, I was working with Blue Dart and DHL. My office was in Hoskas, so I was working there as a customer service executive. That must be long time because 23 ki agar aapki age mein shaadi hui hai to 94-95. Long time hai. Yes. Okay. So, as I've always seen my mother, she's so educated, but unhone hamesha apni family ko priority di hai. Apne bachchon ko, family ko, दादा दादी को. सो आई वॉन्टेड लाइक टू बी लाइक हर, तो मैंने अपनी जॉब क्विट करके एंड आई वॉज टोटली डेडिकेटेड टू योर फैमिली आफ्टर कंप्लीटिंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. सो ओवरऑल आपने एक तरह से सब कुछ छोड़ छाड़ के फैमिली को अपने टाइम दिया. यस, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट. ऑब्वियसली, आई मीन वन हैज टू बी प्राउड ऑफ दैट. तो प्रीति जी, आपसे एक अगला ये सवाल है कि अब आते हैं आपके प्रोफेशन के बारे में. अभी तक हमने आपसे पर्सनली आपसे बात करी, आपके प्रोफेशन के बारे में मैं कुछ अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि प्रीति जी एक एस्ट्रोलॉजर है और बाकी डिटेल में मैं इनसे ही पूछूंगा क्योंकि मुझे इस लाइन का थोड़ी सी नॉलेज नहीं है. सो प्रीति जी, ये आपने प्रोफेशन कब चूज़ किया, क्यों किया, कैसे जहन में आया, लाइक एंड जस्ट ब्रीफ अबाउट इट स्टार्टिंग से. ओके, तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं. जी, आई वॉज ब्लेस्ड विद माई डॉटर एंड जैसे मेरी डॉटर का एडमिशन हुआ स्प्रिंगडेल स्कूल धौला कुआ में, सो आई वॉलंटियर्ड एज अ वॉलंटरी टीचर. स्प्रिंगडेल स्कूल धौला कुआ, राइट. सो जैसे जैसे उसका प्रमोशन होता गया तो मेरा भी प्रमोशन एज अ वॉलंटरी टीचर होता गया. एंड देन आई स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस टिल 9th एंड 12th ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट फॉर साइंस एंड मैथ्स. बिकॉज स्कूल में मैं मैथ्स में कमजोर थी. दिस इज मेरी भी तरह, मैं तो बहुत ही कमजोर था. सो उसके बाद मैंने काफ़ी साल बच्चों को घर पे पढ़ाया अलॉन्ग विथ गिविंग द वॉलेंट्री ड्यूटी इन स्प्रिंगडेल्स धौला कुआं एज अ टीचर. सो फाइनली जब मेरी डॉटर आयुषी वी कैन से 11th 12th कंप्लीट करने के बाद, स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद शी वेंट टू कॉलेज, सो आई हैड अ फ्री टाइम बिकॉज उसकी स्टडीज़ के साथ साथ मेरी भी स्टडीज़ और ट्यूशंस चल रहे थे. सो नाउ आई वॉन्टेड टू डू समथिंग आफ्टर हर
स्कूलिंग एंड यस सो और थोड़ा सा मुझे ये था कि मुझे थोड़ा हटके करना है सो आई आस्क्ड माय पार्टनर संजय कि प्लीज गाइड मी मुझे कुछ करना है लाइफ में फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ मेकअप बस काफ़ी टाइम बच जाता है सब घर का काम बच्चों को पढ़ा के सब करके सो देन ही गेव मी टू ऑप्शंस ओके डू यू वांट टू कंप्लीट योर ICWA आई हैड डन माय इंटर एंड उसके बाद देन ही सेड कि ओके ICWA मींस कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स ओके कॉस्टिंग एंड वर्क अकाउंट्स ओके यस सो देन आई थॉट कि नहीं उसमें बहुत टाइम लगेगा मतलब फिर फैमिली को छोड़ के आई हैव टू गिव माई टाइम टू स्टडीज आई सेड नहीं आई कैंट डू दैट सो आई सेड आप मुझे कुछ और सजेशन दीजिए सो ही सेड कि सिंस यू लाइक स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशंस यू बीन ऑलवेज वॉचिंग इन दिस नाइट व्हाई डोंट यू जॉइन एस्ट्रोलॉजी अच्छा ये आपने बात हमें पहले नहीं बताई कि आपको स्टार्स और से लगाव शुरू से ही रहा है बहुत ज्यादा तभी और आपके हस्बैंड को पता है हाँ स्टार्स और जो भी है मतलब यूनिवर्स से उनको आपको अटैचमेंट है बहुत ज्यादा सो ही सेड कि व्हाई डोंट यू जॉइन एस्ट्रोलॉजी आई सेड कि मुझे तो एस्ट्रोलॉजी की ABCD नहीं आती अब मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे अपने ऑडियंस के लिए कुछ एक बड़ा अच्छा मैसेज मिला आपकी कन्वर्सेशन के साथ कि फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी किसी को आगे बढ़ाने के लिए और क्योंकि फैमिली सपोर्ट जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप शायद आगे चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे तो एक बहुत अच्छा एक इंपॉर्टेंट मैसेज मिला मुझे आपके सवाल चलिए आप आगे आई एम ब्लेस्ड टू हैव हिम सीरियसली ही हैज बीन अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर मी वाओ मतलब कुछ भी करना है सो ही हैज ऑलवेज सपोर्टेड मी एंड ही हैज ऑलवेज सेड कि तुम करो मैं हूं तुम करो एंड सो कमिंग बैक सो वहीं से शुरू करते हैं कि आपके हस्बैंड ने बोला कि आपको चांद तारे बड़े पसंद है तो तुम एस्ट्रोलॉजी करो तो ने सेड अच्छा कहां से करें So he had done his course from Bharatiya Vidya Bhavan Institute. So there Achha. He says, वहाँ पे श्री के एन राव जी है who is my guru in astrology. तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ से astrology करो and it's a at present it's a number one institution in India. तो हम गए हमने admission करवाई और वहाँ से हमारी journey शुरू हो गई तो एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे कि आपकी स्पेशलाइजेशन एज सच कैन यू जस्ट एलैबोरेट अबाउट एस्ट्रोलॉजी या आपकी स्पेशलाइजेशन किसके किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर है एस्ट्रोलॉजी क्या है एस्ट्रोलॉजी इज बेसिकली जिस दिन हम पैदा होते हैं उस टाइम व्हाट इज द स्नैपशॉट ऑफ द कॉन्स्टेलेशंस इन द स्काई उस टाइम पे क्या पोजिशन थी ऑल 9 प्लैनेट्स ओके सो उस के वो बेसिस पे उस टाइम को लेते हैं व्हेन अ नेटिव इज बॉर्न जब किस जगह पर और उस डेट को और फिर उस हिसाब से हम आपकी कुंडली तैयार करते हैं तो वो कुंडली तैयार करने के बाद हम उसमें से जो भी नेटिव के क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जैसे कि फर्स्ट हाउस हमारा होता है लगन यानी कि हम खुद सेकेंड होता है हमारी फैमिली जिसमें हम बॉर्न हुए हैं थर्ड होता है हमारा सिबलिंग्स फोर्थ ममा का हाउस फिफ्थ एजुकेशन हमारे पूर्व पुण्य सिक्स्थ इज हमारे डेथ्स हमारी एनिमीज सेवेंथ इज आर पार्टनरशिप सी पार्टनरशिप इज नॉट ओनली द बिजनेस पार्टनरशिप हमारी फर्स्ट पार्टनरशिप ऑफ लाइफ होती है हमारी मैरिज सो द सेवेंथ हाउस रिप्रेजेंट्स हमारे पार्टनर and lot of things obviously then 8th house is supposed to be the house of suddenness the house of longevity and isi tarah se karte karte the 9th house is for the guru or the father 10th house is for the profession 11th house is for the income jo hum income banate hain and 12th house is for the expenses and moksh so is tarah se jo bhi native ke questions hote hain सो हम उसमें पर्टिकुलर एरिया पे रिसर्च करके एंड देन वी ट्राई टू फाइंड आउट दी आंसर्स पर उससे पहले हमको ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत होती है बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली बहुत डिटेल में आपने समझाया नॉर्मली लोग समझाते नहीं लेकिन एक एक जहन में एक सवाल आया आपके इस थोड़े से छोटे से एलैबोरेशन में आई नो इट इज़ अ वेरी डिटेल्ड सब्जेक्ट और जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में भी लोग जस्ट डेट ऑफ बर्थ देखे एकदम सडनली एक उपाय बता देते
इज इट दैट इजी और इट इज दैट डिफिकल्ट कि आप सेकंड्स के अंदर आप बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर का डेट ऑफ बर्थ अगर ये है तो आगे क्या होगा या क्या या उसके साथ क्या प्रॉब्लम है? हम पता कर सकते हैं बट मेरा मेथड थोड़ा डिफरेंट है. आई वुड लाइक टू डू अ डीप रिसर्च क्या रीज़न है क्या नहीं है. और मतलब उपाय का जहाँ तक सवाल है मैं ये कहूँगी कि मैं जो बताती हूँ वो हज़ारों लाखों की पूजा और उपाय नहीं होते हैं. मेरा ये मानना है कि अगर आपको मैं कुछ करने को कहती हूँ तो आप खुद कीजिए. कहने का मतलब है आई वुड कोरिलेट विद एन एग्जाम्पल कि अगर आपको भूख लगी है तो खाना आप अपने हाथ से खाएंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल. आपकी जगह पर कोई और जाके फाइव स्टार होटल में खा ले, कहीं पे भी कुछ मनपसंद खा ले, पेट आपका नहीं भरेगा. तो एक बार का बोला हुआ मंत्र या एक बार की हुई पूजा इज 100 times बेटर देन कि आप किसी और को बोले कि मैं आपके लिए इतने हजार बार मंत्र करूंगा. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. बहुत डिटेल में मैं खुद कंफ्यूज हो गया था बोल के रही. एनीवे सो गोइंग फॉरवर्ड प्रीति जी, अभी आप कितने साल हो गए आपको ये प्रोफेशन में? अभी 7 years. 7 years. My God, she's been doing for 7 years. अब 7 years में आपने काफ़ी ग्रोथ ली है, I'm sure. आपकी क्लाइंटेज भी अच्छी होगी एंड लोगों को बेनिफिट्स भी हुए हैं, तभी हम आपके साथ बैठे हैं या आप इस लेवल पे आई हैं तो हम आपके साथ रूबरू होने का मौका मिला आपसे. थैंक यू. तो प्रीति जी, अब मेरा आपसे अगला सवाल है कि आप अगला आपका स्टेप क्या रहेगा, लाइक वेयर एग्जैक्टली डू यू सी योर सेल्फ फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स और मे बी 2-3 years डाउन द लाइन? आई मीन यू वॉन्ट टू स्पेशलाइज, आप स्पेशलाइजेशन चाहती है, जानना चाह रही है इसी फील्ड में, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, नॉट प्रोडक्ट सॉरी, या सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट के ऊपर स्पेशलाइजेशन में जाना चाह रही हैं या इसी को आप कंटिन्यू करेंगी? प्रोबेबली आई मीन आई डोंट नो वेदर यू हैव दिस इन माइंड कि आप यू कैन टीच ऑल्सो ऑन दिस सब्जेक्ट. आई मीन यू कैन हैव, आई डोंट नो वेदर इट इज इन योर माइंड और नॉट, बट एक सवाल है मेरा कि क्या सोचा आपने कभी इसी तरह? When I started this astrology, I had one thing in mind कि मुझे एक तो ना लोगों को ब्लफ नहीं करना है. Right. Yes, आजकल ब्लफिंग बहुत ज़्यादा हो रही है. मतलब if you are coming to me with the problem, I will seek the divine intervention. मतलब मैं ऊपर वाले के आगे हाथ जोड़ती हूँ कि एक मेरे पास कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आया है तो एटलीस्ट वो मेरे को उस मुकाम तक पहुंचाइए कि मैं उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकूं. दैट्स अ वंडरफुल थॉट यार. दैट मींस यू आर टेकिंग द एनर्जी फ्रॉम द सुपर पावर्स एंड देन गिविंग अ सॉल्यूशन. प्रोबब्ली यू आर अ मीडियम फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन. आई थिंक वी ऑल नीड सुपर पावर इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्स, गॉड्स ब्लेसिंग. उसके बिना कहते ना पत्ता भी नहीं हिलता, तो मैं और आप तो कुछ भी नहीं कर सकते. एब्सोल्युटली. एक चीज़ और सवाल दिमाग में आया, ये जैसे आपकी फील्ड से रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं जो स्पेशली स्पिरिचुअलिटी से जो कनेक्टेड होते हैं सुपर पावर से, मैं खैर पर्टिकुलर उस कैटेगरी को नहीं उनका नाम ले रहा हूँ जो अपने आप को सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, बट जो जिनसे मैं पर्सनली इन्वॉल्व हूँ या मिला हूँ, उनके चेहरे पर उनके भाव भाव में बोलचाल में एक सहजता होती है, एक बड़ा सॉफ्ट सा होता है, एक स्पिरिचुअलिटी नज़र आती है आँखों में चेहरे पर, उसको ग्लो बोलते हैं हम लोग. ये डिफरेंस क्यों होता है ऐसा मुझे मतलब ये मेरा पर्सनल रीडिंग है तो इसलिए सवाल आया कि जैसे मैं एक एस्ट्रोलॉजर से मिला था, उन्होंने बोला जी अच्छा है कर ये उपाय कर ले ये उपाय कर ले, वो कनेक्टिविटी नहीं आ रही. आर यू गेटिंग माई क्वेश्चन? नो, मतलब कैन यू जस्ट एलैबोरेट इट? माई क्वेश्चन इज कि मैंने एस्ट्रोलॉजर्स देखे हैं, मैं मिला हूँ, दो टाइप के एस्ट्रोलॉजर हैं. एक मैं एक्स के पास गया, उन्होंने मेरा नाम पता और डेट ऑफ बर्थ देखा और उन्होंने बोला टक 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 ये पर्चा बना के दे दिया. एक मैं आपके पास आया, आप जैसों के पास, मेरी फ्रेंड भी है टैरो रीडर है या एस्ट्रोलॉजर है, जैसे मैं आपके पास आया तो एक कनेक्टिविटी नज़र आई आप में कि आप मुझे पता है, मेरे को एक भरोसा भी आ गया चेहरे पर, वो ग्लो शांत चेहरा. या मैं उस सवाल को शायद ठीक तरह से कह नहीं पा रहा हूँ, शायद आप समझ गई होंगी, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन और एक कमर्शियल कनेक्शन. गेटिंग माय पॉइंट? ओके. ये डिफरेंस क्यों होता है? हम जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, और एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें रोज, जैसे बोलते हैं ना, एक रिवीजन होता है और नई से नई चीज़ें रोज इंट्रोड्यूस होती हैं. ट्रू.
और उस समझने के लिए हमें ऊपर वाले की ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है. Absolutely. मतलब वी शुड स्टार्ट अ डे नॉट ओनली एन एस्ट्रोलॉजर, आई वुड से एनीबॉडी, मतलब स्टार्ट योर डे विद आस्किंग फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो उठते सारी ऊपर वाले का शुक्राना कि हमें उसने एक वेकिंग लिस्ट में रखा है. True. मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात को हम अलार्म लगाते हैं तो इस उसमें लगाते हैं कि हम सुबह उठ जाएंगे उम्मीद से, तो वो उम्मीद से जब हम उठ जाते हैं तो सबसे पहले और कुछ ना करते हुए ऊपर वाले का शुक्राना कि आपने मुझे किया है और मुझे अपनी रजा में रखिए कि मुझसे कुछ गलत नहीं हो. एंड बिलीव मी कपिल जी, आई हैव गॉट सच केसेस कि जब मुझे आंसर नहीं मिलता सो आई जस्ट से आई एम सॉरी. ऐसा भी होता है कि आपको आंसर नहीं मिल रहा है? हाँ, ऐसा भी होता है. बिकॉज जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक जवाब नहीं मिलेगा. दिस इज कॉल्ड रियल स्पिरिचुअलिटी. और आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से पहले, आप वैसे तो एस्ट्रोलॉजर के पास कभी दुनिया जाती नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक, जब आप एक प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा घिर जाते हैं तो तब आप जाते हैं. तो मेरा एक सजेशन अपने व्यूअर्स को आपके माध्यम से ये है कि सुबह उठ के कहीं पे भी जाने से पहले हाथ जोड़कर, मैं नहीं कहती मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, चर्च में जाओ, मॉस्क में जाओ, बस उठ के ऊपर वाले को बोलो कि मेरे आज के काम सवार देना. लिव फॉर टुडे. एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया बात. फिर रात को बोलो सुबह उठा देना, सुबह उठने के बाद फिर से एंड विद अ स्माइल एंड द विशियस सर्कल देन गोज ऑन एंड ऑन, बट इट शुड स्टार्ट विद थैंक यू. एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया बात बोली आपने प्रीति जी. खैर, जानने को तो बहुत कुछ है लेकिन हमारे पास समय की भी पाबंदी है. आखिरी सवाल मेरा आपसे कि आप जैसी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, आप, खैर मैं आपको एंटरप्रेन्योर तो नहीं बोलूँगा क्योंकि आप कमर्शियली ज़्यादा नहीं करती है, लेकिन आपके आपके दिमाग में अगर जो भी हमारी वुमेन या लेडी जो सुन रही हैं, देख रही है इस वीडियो को, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? क्या, खैर मैं आपको ऑप्शन तो नहीं देना चाहता, क्या एज फैक्टर है या अंदर से आपका पैशन है या क्या है? Whatever message you can give or you want to give to our lovely ladies, हमारी बहनें जो देख रही हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा हमारे इस चैनल के माध्यम से? Definitely, we don't need any special Women's Day to celebrate ourselves. हम अपने आप में एक पूर्ण हैं. So सबसे पहले सेल्फ लव करो, तभी आप दुनिया को प्यार दे पाओगे, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को. So you need to love yourself immensely and then you will grow in every sector of life. Brilliant. And I would say paise kamane se hi ladki ya lady poorn nahi hoti hai. If you see a housewife also plays n number of roles. True. So nobody is less, nobody is more, everybody is God gifted. Thank you so much, what a wonderful message Preeti ji. Bahut acha laga aapse baat karke, aapke bare mein jaan ke, और आशा करते हैं और दुआ करते हैं कि आप जो भी Thank कर रही हैं so अपनी एस्ट्रोलॉजी में बहुत चार चांद छा दें, जो चांदों चांद से तो आप रूबरू रहती है, चार चांद कहलाएं अपनी अपनी लाइन में. एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो. थैंक यू कपिल जी फॉर इनवाइटिंग. माय प्लेजर. एंड दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी. चलिए, सो ये थी हमारी आज की वावुमन प्रीति तहीम जी. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और वावुमन के साथ, एक और नई शख्सियत के साथ. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वावुमन. टेक केयर एंड लव यू ऑल. थैंक यू. बाय.